जो वाइंडिंग का रेशियो मैंने डाला हूँ, जो कॉइल या वाइंडिंग रेडी हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं, मैंने जिस रेशियो में बनाया हूँ, मैं जिस कैपेसिटी का बनाया हूँ, मैं जिस वोल्टेज का बनाया हूँ, वो वोल्टेज में हमारा वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को कैसे बढ़ाते हैं? ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के अंदर में एक डाइवर्टर स्विच जिसको टैप चेंजर कहते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर में सिलेक्टर स्विच रहता है और सिलेक्टर स्विच के अंदर में एक डाइवर्टर स्विच होता है। डाइवर्टर स्विच की सहायता से जो ड्राइव मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट रहता है, इस स्विच की सहायता से हम क्या करते हैं, टैप को कम या ज्यादा करते हैं, टैप चेंजिंग करते हैं। और टैप चेंजिंग जैसे ही करते हैं तो हमारा जो टर्न है, हमारा जो रेशियो है, वोल्टेज का रेशियो है, कम या ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लासेस में मेरा यही आपका थीम रहेगा कि हम वोल्टेज को कैसे, मान के चलिए कोई हाई टेंशन वोल्टेज की ट्रांसफार्मर है, उसको हम कितना सप्लाई चार्ज करेंगे और सेकेंडरी साइड में, एलवी साइड में, लो वोल्टेज साइड में हम कैसे उसका रेशियो टेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सपोज एक छोटी सी ट्रांसफार्मर है, हाई टेंशन के 11 kV की ट्रांसफार्मर, सपोज 6 MVA की ट्रांसफार्मर है, 6 MVA की ट्रांसफार्मर है, तो उसका कनेक्शन में डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप सिर्फ मैं बता रहा हूं कि टेस्ट कैसे करें। सपोज एचवी साइड में U1 और U2, एचवी साइड में मैं क्या करूंगा, यदि 11 kV की ट्रांसफार्मर है, इसमें लो वोल्टेज, लो वोल्टेज मीन्स 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करूंगा, वोल्ट एसी सप्लाई चार्ज करूंगा। ट्रांसफार्मर के एचवी साइड में मैं क्या करूंगा, 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करूंगा। 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करके इसके एलवी साइड में, ये बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में ये हमारा क्या है, ऑटो कॉयल है। ओके दोस्तों, ये ऑटो कॉयल है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि पावर ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हो या कोई भी बड़ा ट्रांसफार्मर जिसमें हम ऑन लोड टेप चेंजिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले सप्लाई किसको देते हैं, प्राइमरी कॉइल में डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं, ऑटो कॉइल में सप्लाई चार्ज करते हैं। एचवी साइड में ऑटो कॉइल में सप्लाई चार्ज करते हैं, बीच में ये सपोज एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, ठीक है, U1 डायरेक्ट चले जाएगी प्राइमरी कॉइल में। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मैं एक टेप चेंजर का, ध्यान से देखिएगा समझिएगा दोस्तों, मैं एक टेप चेंजर हूँ, टेप चेंजर ऑटो कॉइल प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का एक वीडियो बनाऊंगा, बड़ा मस्त वीडियो बनाऊंगा, आप ये क्लास वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम में बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल होता है, वोल्टेज हम कहां सब चार्ज करते हैं और सेकेंडरी साइड में, एलवी साइड में कैसे वोल्टेज हमारा कम बेसी होता है, विद टेप चेंजर के साथ मैं एक कनेक्शन डायग्राम बनाऊंगा। अभी सिर्फ टेस्ट कैसे करते हैं एज एग्जाम्पल के मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूं। ओके, ये टैप चेंजर है दोस्तों, ये क्या है, टैप चेंजर है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल है, इधर हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ओके, एचपी एलवी, वोल्टेज जो कम बेसी कर रहा है, टर्न को जो कम बेसी करा रहा है, कौन करवा रहा है, ऑटो कॉइल, ध्यान से समझिएगा। सपोज मैंने इस ऑटो कॉइल में 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज किया और लो वोल्टेज एलवी साइड में मैंने यहां पर प्रत्येक स्टेप में, सपोज वहां से लेकर 33 टेप है, एक से लेकर 33 टेप तक मैं जाऊंगा टेप चेंजिंग को ऑपरेशन करके, 1, 2, 3, 4 टेप जाना है, जाकर सपोज एक टेप में यहां पर यदि 415 वोल्ट सप्लाई में चार्ज कर रहा हूं, लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज कर रहा हूं, कहां, एलवी साइड में, ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में, तो ये साइड में कितना सप्लाई मिलेगा, मिली वोल्ट में आएगा, है ना, क्योंकि ये 11 kV की ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट में इसका वोल्टेज है 110 वोल्ट। इस टाइप के ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन भी होता है, डेल्टा कनेक्शन भी होता है। ये सपोज स्टार में 110 वोल्ट है और डेल्टा में इसका 250 वोल्ट है,
कितना टेप में? 33 टेप में। वन टेप में कितना है? वन टेप में है 70, स्टार में, और डेल्टा में वन टेप में है 110। ये डेल्टा, ये हो गया मेरा स्टार। ओके, ये हम एल्यूमिनियम के भी सप्लाई जब चार्ज कर रहे हैं तो सेकेंडरी साइड में हम वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई में डेल्टा में वन टेप में 70 और 33 टेप में 110। जब इसको जैसे ही हम डेल्टा कर दे रहे हैं, वन टेप में 110 और 33 टेप में 250। सपोज एज एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन मैं अभी लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज किया, कितना किया? लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज किया ताकि यहां पर मैं मल्टीमीटर लगाकर एलवी साइड में मल्टीमीटर लगाकर मैं सेकेंडरी साइड में मल्टीमीटर लगाकर सप्लाई चेक करूं यहाँ कितना सप्लाई निकलेगा। दोस्तों सपोज मैं 415 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड मींस एचपी साइड में मैंने डाला हूं, तो यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट 0.02 मिली वोल्ट वन टेप में, वन टेप में 0.02 मिली वोल्ट सब वोल्टेज हमको, एसी वोल्टेज हमको मिलेगा वन टेप में। फिर क्या करेंगे? टेप को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे इंक्रीज करेंगे, यहां पर वोल्टेज हमारा इंक्रीज होना चाहिए टू टेप में 0.024, सपोज 2 मिली वोल्ट करके इंक्रीज हो रहा है, समथिंग सम में 2 मिली वोल्ट करके प्लस होते जाएगा, समोशन होते जाएगा, समोशन होते जाएगा। ओके, 3 में हमारा 0.06, 4 में हमारा 0.08, 5 में हमारा 0.010, इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा। किसी में 0.03 भी इंक्रीज हो सकता है, हो सकता है क्वाइल का टर्न जो है थोड़ा सा 19-20 होगा, तो हल्का सा डिफरेंस होगा, लेकिन समथिंग सब में 2 मिली वोल्ट या 2.5 मिली वोल्ट इंक्रीज होते जाएगा, टेप 33 तक इन वोल्टेज इंक्रीज होते जाएगा। ओके, इस कंडीशन में हम क्या समझेंगे, वो क्या पता चलेगा कि हमारा जो अंदर में इंटरनल जो कनेक्शन हुआ है टेप चेंजर के साथ, जो कनेक्शन हुआ है ऑटो कॉइल का, ओके, ये हमारा कॉइल का जो वाइंडिंग है टर्म है वो सही है, कॉइल बराबर वाइंडिंग किया गया है, हमारा जो रेशियो में मैंने जिस वोल्टेज रेशियो में मैंने ट्रांसफॉर्मर को बनाया हूं उसी फंडा उसी लॉजिक से यह ट्रांसफॉर्मर हमारा बना है। ओके, ये सब चीज पता करने के लिए सही कनेक्शन है कि नहीं, वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वोल्टेज सपोज 415 वोल्ट पे 0.2 मिली वोल्ट सप्लाई निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मर का जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ हम टैली करेंगे कि सपोज ये 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करने से 0.02 मिली वोल्ट सप्लाई आ रहा है हमको स्टार या डेल्टा में, तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा के साथ इसको टैली करेंगे, 11 के बी के साथ टैली करेंगे, समथिंग मिल जाएगा। हाँ चलो, इतना सप्लाई डालने से इतना आ रहा है, तो जब 11 के भी सप्लाई डालेंगे तो इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो सप्लाई इतना डेफिनेटली हमको मिलेगा। ओके, तो ये सब चीज टेस्ट करके कनेक्शन किया हुआ है कि नहीं सही, क्वाइल वाइंडिंग सही किया हुआ है कि नहीं, टेप चेंजर के साथ जो ऑटो क्वाइल का कनेक्शन है उसके साथ प्रॉपर कनेक्शन किया हुआ है कि नहीं, कहीं तो ओपन तो नहीं हो रहा है, टेप चेंजर स्विच के साथ जो ऑटो क्वाइल का कनेक्शन है बाय टेप चेंजर उसके साथ कहीं तो कुछ ओपन तो नहीं हो रहा है, कहीं पर टेप चेंजर स्विच जो है वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, ओपन तो नहीं हो रहा है, ये सारा चीज हमको ये टर्न रेशियो टेस्ट वोल्टेज रेशियो टेस्ट करने से पता चल जाएगा। सपोज 1 से लेकर 33 टेप हम चेक किया, बीच में 20 नंबर टेप में वोल्टेज हमको नहीं मिला, हमको क्या पता चलेगा कि हमारा जो टेप चेंजर स्विच के साथ जो ऑटो कॉइल का कनेक्शन है वो कहीं पर डिस्कनेक्ट हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन होने की वजह से प्राइमरी कॉइल में सप्लाई नहीं मिल रहा है, और प्राइमरी कॉइल में सप्लाई जब नहीं मिलेगा इससे क्या पता चलेगा, प्राइमरी कॉइल में सप्लाई नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी कॉइल में सप्लाई नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो एक चीज में एक लाइन में सिंपली भाषा में बताऊं कि टर्न रेशियो टेस्ट या वोल्टेज रेशियो टेस्ट मेनली हमारा जो होता है टेप चेंजर के साथ प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, हमारा क्वाइल वाइंडिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये सब चीज सर्किट हमारा क्लोज है कि नहीं, क्वाइल वाइंडिंग हमारा क्लोज है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए टर्न रेशियो टेस्ट या वोल्टेज रेशियो टेस्ट किया जाता है। नमस्कार।